ये सभी लोगों का टोटल डेटा करीब 196 ऐसे प्रस्ताव हैं जो ईडी को हमने भेजा है, जिसमें 321.37 करोड़ का प्रस्ताव है इन सभी 196 प्रपोजल्स के अगर वैल्यू देखा जाए। और अभी तक 29 मामलों में 36 अभियुक्तों के विरुद्ध ईडी ने कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 50.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अधिकृत की जा चुकी है। भविष्य में कोई इस प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम इस राज्य में ना कर सकें और इनका जो भी धंधा नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके, इस पर हम लोग पूरी तरह से कार्यरत हैं। काले धंधों से उस पर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी, उसके अधिग्रहण पर। और इनका जो फाइनेंशियल बेस है, जो इनकी कमर है जिसे कहा जाए, जो स्ट्रेंथ है, वो तोड़ दी जाएगी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं अब बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम बालू माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में लग गई है। इसमें पकड़े गए लोगों के चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम इकट्ठा कर रही है, जिसमें वो बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में जुट गई है। आइए सीधे शुरुआत है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस महानिदेशक। पुलिस मुख्यालय के ओर से हम लोग आयोजित करते हैं, उसमें आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का विषय जो हम आपसे बात करना चाहेंगे वो है आर्थिक अपराध इकाई का किस प्रकार से संगठित अपराधियों के विरुद्ध हम लोग अभियान चलाते हैं, क्या कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके बारे में जो भी अभी तक के एक्शंस हमारे हुए हैं वो आज आपके साथ हम लोग चर्चा करेंगे उस बिंदु पर। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीएमएलए एक्ट 2002 का जो है, उसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ऐसे माफिया एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं संगठित अपराध में, जिनका बिल्कुल क्लियर कट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे उनकी प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन, फॉरफिचर, और उनके विरुद्ध जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की अगर कोई साक्ष्य आ रहे हैं, उनके बेटर इन्वेस्टिगेशन और उनके द्वारा अर्जित की गई अकूत संपत्ति जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से है, उसका कन्फिस्केशन फॉरफिचर की कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से की जाती है। और ये यहाँ से प्रस्ताव बनके प्रवर्तन निदेशालय, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है भारत सरकार की, उसको हम लोग भेजते हैं, क्योंकि ईडी ही नोटिफाइड एजेंसी है पीएमएलए के एक्ट्स में कार्रवाई करने के लिए। और हमारे यहाँ जो स्टेट की एजेंसीज हैं, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई भी है, हमारे यहाँ ऑपरेशंस का है जो नक्सल घटनाओं को देखती है, उनके विरुद्ध अभियान चलाती है, उसके अलावा मद निषेध जो हमारा विंग है, जो शराब माफियाओं और शराब की रिकवरी से रिलेटेड मामलों को देखता है, और आतंकवाद निरोध दस्ता जो है बिहार का ATS, उसमें भी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, ये तीनों एजेंसीज का भी जो भी प्रस्ताव है वो भी वो लोग हमको आर्थिक अपराध इकाई को भेजते हैं, और यहाँ पर उनका समीक्षा होती है, और समीक्षा उपरांत हम ईडी को अनुशंसा करते हैं कि इनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। तो इसी के तहत आपको ये बताना है कि पिछले 1 जनवरी 2022 से अभी तक हम लोगों ने एक विशेष अभियान इसकी तरफ चलाया था, सभी डिस्ट्रिक्ट के SPs और SDPOs के साथ हम लोग इसमें विमर्श भी करते हैं, समीक्षा भी करते हैं। उसके तहत करीब 18 अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोगों ने 13 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति अधिग्रहित करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा था। और इसके अलावा वर्ष 2013 से लेकर अभी तक कुल 196 ऐसे प्रस्ताव हैं जो हम लोगों ने ईडी को भेज रखे हैं। इसमें हर तरह के माफिया हैं, जो बालू के भी हैं, लैंड के भी हैं, लिकर माफिया हैं, नारकोटिक्स और ड्रग्स में भी हैं, नक्सल क्षेत्र के भी हैं। ये सभी लोगों का टोटल डेटा करीब 196 ऐसे प्रस्ताव हैं जो ईडी को हमने भेजा है, जिसमें 321.37 करोड़ का प्रस्ताव है इन सभी 196 प्रपोजल्स के अगर वैल्यू देखा जाए। और अभी तक 29 मामलों में 36 अभियुक्तों के विरुद्ध ईडी ने कार्रवाई की है,
जिसमें लगभग 50.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अधिकृत की जा चुकी है। और इसके अलावा और जो प्रस्ताव अभी उनके यहाँ प्रोसेस में है, जिस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जो सूचनाएँ, जो जानकारी है, वो उनसे साझा की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें और अधिक वृद्धि होगी और अधिक लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई धरातल पे उतरेगी। इसमें अभी तक बालू माफियाओं के विरुद्ध करीब 9 प्रस्ताव हम लोगों ने भेजे हैं, नशे के कारोबारियों के विरुद्ध लगभग 10 प्रस्ताव हैं, शराब माफियाओं के विरुद्ध कुल 34 प्रस्ताव समर्पित किए गए हैं। और इसमें राज्य के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें कुल 15 प्रस्ताव हम लोगों ने ईडी को भेजे हैं, जिसमें 10 मामलों में 5.5 करोड़ की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके अलावा शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में भी या आईपीसी के जो एक्ट्स हैं, जिसमें लूट, डकैती, इस तरह के मामले आते हैं, किडनैपिंग के मामले हैं, तो प्रोफेशनल अपराधी हैं, ठगी है, जालसाजी है, ऐसे मामलों में भी इस अधिनियम का उपयोग हम लोग करते हैं। खासतौर से NDPS एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें करते हैं, फिर PC एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत भी होती है कार्रवाइयाँ। तो कुल अभी तक जो हम लोगों का डेटा है वो अभी आपके साथ हम लोग प्रेस नोट में शेयर भी करेंगे। ये अभी हम लोगों की मेन प्राप्ति है स्टेट की नशाबंदी के विरुद्ध पूर्ण इसमें प्रतिबंध का है, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बालू माफिया के जितने मामले हैं, आपने देखा होगा कि वर्ष 2021 में भी कार्रवाइयाँ हुई, उसमें बहुत से लोगों के विरुद्ध सजा हुई है, चार्जशीट सब सबमिट हो रही हैं, तो उसमें जिनके विरुद्ध इस प्रकार की संपत्ति के साक्ष्य आएंगे तो वो प्रस्ताव आगे भी भेजे जाएंगे। बहुत से ज़िलों से भी हमें, जैसे जहानाबाद, पटना, गया से भी बालू माफियाओं के विरुद्ध प्रस्ताव आए हैं, अरवल से भी एक प्रस्ताव आया है, उसके तहत कार्रवाई की प्रोसेस में है। बहुत से प्रतिवेदन अभी हमारे यहाँ समीक्षा अंतर्गत हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट कर रही है। तो ये कुल मिला के हमारा जो ड्राइव है माफिया के विरुद्ध तो बहुत ही व्यापक है, और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की जो ड्राइव आगे भी चलेगी, जिसमें ज़िला पुलिस की भी पूर्ण उनका सहयोग हमें अपेक्षित है, और बहुत से ज़िलों के SP व्यक्तिगत रुचि भी ले रहे हैं इस दिशा में। तो आने वाले समय में माफियाओं के विरुद्ध एक बड़ा अभियान और इनकी जितनी भी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है काले धंधों से, उस पर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी, उसके अधिग्रहण पर। और इनका जो फाइनेंशियल बेस है, जो इनकी कमर है जिसे कहा जाए, जो स्ट्रेंथ है, वो तोड़ दी जाएगी, जिससे ये भविष्य में कोई इस प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम इस राज्य में ना कर सकें, और इनका जो भी धंधा नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके, इस पर हम लोग पूरी तरह से कार्यरत हैं। ये इस ब्रीफिंग का पहला हिस्सा है। इसके बाद अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने तो पूछ सकते हैं, फिर सेकंड पार्ट हमारे DIG और SP साहब आपको ब्रीफ करेंगे। 196 आपने बताया कि 2013 से आपका जी प्रस्ताव भेजे गए, इसमें 321.37 करोड़ का तो टोटल वैल्यू है। इसमें 36 लोगों के विरुद्ध करीब 50.51 करोड़ ये अधिग्रहण हुआ है। आपको वैसे मिल जाएगा, ये सारा हम लोग शेयर कर देंगे। अभी इसमें और भी डेटा है जो मैं अभी पढ़ के नहीं बताना चाह रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। सर, पहले वाला सर बता दीजिए, बालू के मामले में कई पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई थी, FIR भी हुआ था, तो उसमें क्या अपडेट है? उसमें देखिए, हमारे यहाँ जो केसेस पुलिस और पब्लिक सर्वेंट्स के विरुद्ध किए गए हैं, उसमें हमारा अनुसंधान चल रहा है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। दोनों बिंदुओं पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। एक, उनकी जो संलिप्तता है बालू के मामलों में, जिस प्रकार से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अवैध संपत्ति जमा की है, करप्शन की उनके ऊपर आरोप हैं, और दूसरा इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति का अगर ये पाया जाएगा कि अधिकारी के रूप में जहाँ पर उन्होंने उनकी तैनाती थी, उनके कार्यकलाप से उन्होंने अकूत संपत्ति या कोई इनकम जनरेट या एसेट्स बनाए हैं, जिसको डायरेक्टली हम लिंक करेंगे बालू की इनकम से, बालू के धंधों से, अवैध धंधों से, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। ये यहाँ से संबंधित नहीं है, ये मामला ED का है। ED अपने स्तर से भी करती है कार्रवाई, क्योंकि ED एक एजेंसी है जो नोटिफाइड, इसके लिए नोडल है। तो हमारा जो प्रस्ताव बिहार राज्य के केसेस में
हम उनको सौंपते हैं। दर्जनों सरकारी अफसर हैं जो ईडी में छापा मारा था, फरार चल रहे हैं, उनको क्या कार्रवाई? नहीं, वो ईडी ही आपको बता पाएंगे, उसमें हमें तो जानकारी है नहीं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई की इकाई के पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि अब वैसे बालू माफियाओं पे सरकार के आदेश पर अब नकेल कसनी शुरू कर दी जाएगी, जो कि इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे और उनके संपत्तियों का भी कहीं ना कहीं जब्त करने की प्रक्रिया जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की टीम करनी शुरू करने वाली है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।